समर्थक माने जाने वाले मालदीव के नए नवेले राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने अपने पहले विदेशी दौरे से सबको चौंका दिया है। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने भारत या चीन की यात्रा करने की बजाय तुर्की का रुख अपनाया है। अब से पहले हमेशा से ऐसा होता आ रहा था कि मालदीव का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के तुरंत बाद भारत की यात्रा करता रहा है, लेकिन भारत विरोधी माने जाने वाले मोहम्मद मोइजू ने परंपरा को तोड़कर दिल्ली को बड़ा संदेश दिया है। कहा जा सकता है कि उनकी कथित भारत विरोधी छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। इसके बाद वो सीओपी की बैठक में हिस्सा लेने 30 नवंबर को यूएई पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि यहाँ उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी हो सकती है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत की बजाय तुर्की की पहली यात्रा करके घरेलू और दुनिया को आखिर क्या संदेश दिया है। अगर इस सवाल का जवाब तलाशेंगे तो एक राय ये भी है कि राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू खुद को भारत या चीन के करीबी नहीं दिखाना चाहते हैं, बल्कि दोनों देशों के प्रभाव से बिल्कुल अलग एक स्वतंत्र विदेश नीति लेते दिखाना चाहते हैं। उनका एक बयान अटकलों को हवा देता है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा था कि वो भारत या चीन विरोधी नहीं है बल्कि मालदीव समर्थक हैं। जानकारों का दावा है कि दरअसल मोहम्मद मोइजू मालदीव की आर्थिक हालत को ठीक करने के लिए मददगार के तौर पर भारत और चीन की जगह नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। इसकी एक और वजह बताई जा रही है कि माना जा रहा है कि मोइजू ने जानबूझकर मुस्लिम देशों की यात्रा की है। इससे वो एक साथ दो संदेश भी देते दिखाई दे रहे हैं। पहला संदेश, खुद को इस्लामिक देशों के करीब लाना है क्योंकि इनके पास बेइंतहाशा दौलत है। अगर सऊदी, यूएई और तुर्की जैसे देश मालदीव के समर्थन में उतर आते हैं तो मालदीव को बड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी और मालदीव आर्थिक बदहाली के दौर से बाहर निकल सकेगा। वहीं दूसरी तरफ 1200 द्वीप वाले मालदीव की 98% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है। अगर किसी को मालदीव की नागरिकता चाहिए तो अनिवार्य शर्तों में एक उसका मुसलमान होना भी बहुत ज्यादा अनिवार्य है। यानी मोइजू मुस्लिम देशों के करीब जाकर घरेलू मोर्चे पर लोकप्रियता बटोरने की कोशिश भी कर रहे हैं। मालदीव पर चीन का भारी कर्ज है। वो ये समझता है कि इस कर्ज से निकलने के लिए उसे खाड़ी देशों की मदद मिल सकती है। इसका आधार व्यापारिक और धार्मिक दोनों है। राष्ट्रपति मोइजू हर उस दरवाजे पर जाने को तैयार है जहाँ से उनको आर्थिक मदद मिलने की उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो देखते रहें एबीपी लाइव और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।